यही भोली भाली जनता बुंदेलखंड की, इसी भावुक जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। न केवल लोकसभा में समर्थन दिया बल्कि विधानसभा में भी पूरा समर्थन दिया। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार। ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए, 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो? और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ आपको योगी सरकार चाहिए क्या? योगी सरकार चाहिए? समाजवादी लोग इसलिए मदद कर रहे हैं क्या? समाजवादी लोग, हम लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। वो जो जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, उनकी परेशानी नहीं समझ सकते। बताओ हमें साथियों, परिवार वाले दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का? आज जिनके हाथ में सरकार है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए इन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश को संकट में डाल दिया है। जिस समय लॉकडाउन लगा था, यहाँ के मजदूर जो दूसरी जगह काम करते हैं पैदल चल करके आए थे, अपने घरों पहुंचे थे, पैदल पैदल चल करके आए। ये सरकार चाहती तो मदद कर देती। जिस समय सरकार को मदद करना चाहिए था उस समय हमारे मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा? भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बुंदेलखंड की जनता को क्या दिया है? सब विधायक सांसद मिलने के बाद भी बुंदेलखंड आते ही भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन फेल हो गया। यहाँ का किसान दुखी है, नौजवान पे नौकरी नहीं, व्यापार खत्म हो गया, कोविड लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, मजदूरों को जान गई, किसान आत्महत्या किया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूसरों का काम अपना काम ढंग से लाभ आपके साथ में दिख रहा है, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं लोग और कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है, क्या सारा? ये बदलाव है और 22 में बदलाव होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की जनता शून्य कर देगी।